प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा और एयरबस द्वारा किया जाएगा। रक्षा सचिव के अनुसार 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में ये सुविधा वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोबल के इस मंत्र पर आगे बढ़ता भारत आज अपने सामर्थ्य को और आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अब भारत परिवहन विमान का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूँ जब दुनिया के बड़े यात्री विमान भी भारत में ही बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, आज भारत को दुनिया का बड़ा विमान निर्माण हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना लड़ाकू विमान टैंक पनडुब्बी बना रहा है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया कि C-295 परिवहन विमान का पहला भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन भी वडोदरा में स्थित होगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार एयरबस स्पेन में अपनी सुविधा में जो काम करती है उसका 96% भारतीय सुविधा में किया जाएगा और विमान के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL द्वारा बनाया जाएगा। स्पेन की कंपनी एयरबस के साथ 56 C-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन विमान खरीदने का सौदा पिछले साल 24 सितंबर को फाइनल हुआ था। उस वक्त ही ये तय हो गया था कि अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 48 महीनों के भीतर स्पेन की कंपनी भारत को 16 विमानों की फ्लाइंग मोड में आपूर्ति करेगी। बाकी 40 विमानों का निर्माण टाटा कंसोर्टियम भारत में ही करेगा। आपको बता दें कि C-295 9 टन पेलोड या 71 सैनिकों अपने साथ ले जाने में सक्षम है। ये एक अत्यंत बहुमुखी एयरलिफ्ट विमान है जो कि पहाड़ी इलाकों के अर्ध तैयार सतहों से भी टेक ऑफ और लैंडिंग करने में माहिर है, इसलिए इसे भारत के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाएगा। अगले 4 से 5 सालों में करोड़ों लोग हवाई सफर के नए यात्री होने वाले हैं। उड़ान योजना से भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। अनुमान है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत को 2000 से ज्यादा यात्री और कार्गो विमानों की आवश्यकता होगी। ये दर्शाता है कि विकास कितनी तेजी से होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।